So we are starting this particular topic today. Newton's laws of motion में ही कुछ climbing वाले problems आते हैं. तो climbing वाले problems कैसे करने हैं तो इसको देखेंगे आज. ठीक है, climbing on the rope. ये लोग लेट ज्वाइन हो जाते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है. आप लोग लेट मत होते जाइए. जो लोग लेट ज्वाइन होते हैं वो बहुत प्रॉब्लम पैदा करते हैं. क्लाइंबिंग द रोप प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो इसके ऊपर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बेटे इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये प्रॉब्लम जनरली मंकी इज क्लाइंबिंग है ना, तो ऐसे मंकी वाले प्रॉब्लम्स रहते हैं इसमें. ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसके प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं ये दिखा देता हूँ. पहले एक प्रॉब्लम लेके दिखाता हूँ. देखिए ध्यान दीजिए सब लोग, ये क्वेश्चन देखिए. मानो कि यहाँ पर एक पुली है, ये फिक्स्ड है. यहां से एक रस्सी नीचे जा रही है. ठीक है, और यहां पर केले रखे हुए हैं. ठीक है, दीज आर द बनानास. और यहां पर एक बंदर है. इस बंदर ने यहां से पकड़ा हुआ है. देयर इज अ मंकी ओवर हियर. और आपको दिया है द बनानास आर of 10 kg weight. ठीक है, बंदर का वजन है 3 kg. ठीक है, आपसे पूछा है at what maximum acceleration can the monkey climb up such that bananas remain stationary? ठीक है, At what maximum acceleration can the monkey climb up such that the bananas remain stationary? Bananas को stationary रहने के लिए जमीन के ऊपर है ये bananas. तो ये bananas stationary रहने के लिए monkey कितने maximum acceleration से ऊपर climb कर सकता है ये हमें ढूंढना है. ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका जो पुली है, पुली के दोनों साइड में क्या टेंशन सेम रहेगी? हाँ, इस पुली के दोनों साइड में टेंशन टी. एग्रीड? अब अगर बनाना की बात की जाए तो बनाना का एमजी इसको नीचे खींचेगा
और टेंशन टी इसको ऊपर कीजिएगा। बनाना स्टेशनरी रहना चाहिए, मैक्सिमम कितना उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए ये ढूंढना है हमें। तो उसके लिए मैं बोल सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा टेंशन इस स्ट्रिंग में कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू एम जी। जब टेंशन ज्यादा हो जाएगा एम जी से तो केले ऊपर जाने लगेंगे ना, नहीं समझे? समझे सर। और इसीलिए हम लिखेंगे कि टी मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी, ये पहला चीज है ना। सो टी मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी होना चाहिए ताकि केले अपनी जगह पर रहे। दूसरी बात, जब बेटे मंकी ऊपर चढ़ने लगे तो मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ द एफबीडी ऑफ मंकी। इस मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आइए। तो ये रहा मंकी, ठीक है। बताओ इस मंकी के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? एमजी और टेंशन। हाँ, उसका खुद का एमजी नीचे है ना। यस सर। और टेंशन इन द स्ट्रिंग ऊपर की तरफ, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड्स, और ये जा रहा होगा विद एक्सेलरेशन ए अपवर्ड्स, ठीक है। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगा, कौन बोलेगा इक्वेशन, व्हाट शुड बी द इक्वेशन? यस, ऊपर की दिशा में वाई एक्सिस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए लेकिन टी इक्वल्स टू इधर एम जी है, इसका मास कितना 10 है, तो ये एम जी कितना 100, यस और नो? तो टी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 100 होना चाहिए। तो लिख दो यहाँ पर 100 माइनस 30 इक्वल्स टू 3A, दिस इज 70 इक्वल्स टू 3A, A इक्वल्स टू 70 बाय 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 23.33 is your answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. जो लोग नए हैं, जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, या फिर एक दो दिन पहले आप ज्वाइन हुए हो, ऐसा अगर है तो आप लोग मेरे पहले जो लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर लो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने अपलोड भी किए हैं सारे, तो सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कल तक के सारे रिकॉर्डिंग्स मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं उसको भेज सकता हूं। वैसे आपको तो उसकी जरूरत नहीं है ना,
की है जिसको चाहिए आप लोग मुझे मैसेज भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है बेटा? जी सर। वो किसी ने तो मुझसे लेक्चर्स मांगे थे लेकिन मैं भेज नहीं पाया क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हुए थे, वो मैं अपलोड ही नहीं कर पाया था उस दिन, तो कोई बात नहीं अभी कर दूंगा, ठीक है? काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स हाँ कुछ अपलोड किए हैं, कुछ रह गए हैं काइनेमेटिक्स के, तो उसको भी मैं करा दूंगा, काइनेमेटिक्स करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। हो जाएंगे, उसके भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखते हैं कौन कर पाता है नेक्स्ट क्वेश्चन को। नंबर दो बंदर है, थ्री केजी, फाइव केजी, he is climbing up with acceleration 1 meter per second square. 5 केजी ने बस होल्ड करके रखा है, होल्डिंग। आपसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी मंकी। If, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ 3 केजी मंकी इज एक्सेलरेटिंग अप at 1 meter per second square with respect to ground, चलो थोड़ा सिंपल करा देता हूं, पहले विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे देता हूं तो आसान हो जाएगा। तो हिंट देता हूं मैं आपको, आपको क्या करना है पहले फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बेटे? सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करो और आंसर मुझे बताना फटाफट, एवरीवन फास्ट करिए सब लोग। सर 20 by 3 meter per second square। ओके लेट्स सी।
तो यहां पर फिर से, यहां पर अगर टेंशन है टी, तो यहां पर भी टेंशन रहेगा टी, ठीक है। सो अगर 3 kg वाला जो मंकी है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम, तो 3 kg वाले के ऊपर ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ उसका mg इक्वल्स टू 30 N होगा। क्यों भाई? क्योंकि 3 kg है ना उसका मास, और वो ऊपर चढ़ रहा है विद एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 1। तो मैं लिख सकता हूं इसका इक्वेशन, यहां पर लिखूंगा मैं कि t माइनस 13 इज इक्वल्स टू इनटू, एंड दिस मींस दैट t इक्वल्स टू 30 + 3 विच इज 33 N। अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसका? ये 5 kg वाले का। सो ये 5 kg वाला, इसने बस होल्ड करके रखा है, तो टेंशन ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ। अब बेटे इसमें से जो ज्यादा होगा उस तरफ ये जाएगा। टेंशन कितना है? 33 N, और इसका mg कितना है? 50 N। तो 50 N उसको नीचे खींचेगा तो एक्सेलरेशन नीचे होगा ना। समेशन fy इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो t माइनस mg इक्वल्स टू 5a, और ये माइनस है, तो ये 33 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 5a। सो 5a इक्वल्स टू 50 माइनस 33। सो 5a इक्वल्स टू 50 में से तेजी गई है 7, 17 इक्वल्स टू 17/5 m/s². किसी का आंसर आया था ऐसे? कुछ समझ में आया? हाँ सर। सर एक बार समझा दो, नहीं समझा। बिल्कुल। तो यहां पर सबसे पहले हमने कहा कि ये जो मंकी है आपका, ये वाला, ये मंकी ऊपर जा रहा है कितने से? 1 m/s² से ऊपर जा रहा है बेटा। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात चल रही है, इसलिए मैं एकदम बिंदास हूं। इसी क्वेश्चन को मैं बदलने वाला हूं, ठीक है। तो दोनों साइड में टेंशन रहेगा टी, दोनों साइड में टेंशन रहेगा टी। क्यों भाई? अब ये 3 kg वाला मंकी ऊपर जा रहा है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर की तरफ टेंशन कौन? टी, और नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा 30 N, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 1। तो फिर इसका इक्वेशन क्या बनेगा? टी माइनस mg इक्वल्स टू 3 × 1 मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसीलिए टी आपका यहां पर बना, ये 30 इधर जाके प्लस, सो 30 + 3 = 33 N। क्लियर? अब फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg, ये 5 kg वाला बंदर है ना, तो ये 5 kg वाला बंदर बस होल्ड करके रखा है, होल्डिंग है बस। ये ऊपर चढ़ रहा है क्या? क्लाइम कर रहा है क्या बेटा? नहीं ना, ही इज नॉट क्लाइंबिंग, ही जस्ट होल्डिंग। तो इसके ऊपर फोर्सेस टी ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, तो 33 ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ -50, और एक्सेलरेशन नीचे है इसलिए माइनस ए बोल दिया मैंने। सो 33 - 50 - 5 है, सॉल्व करो, ए का वैल्यू मिल गया। कुछ समझा? कोई दिक्कत है इसमें सर?
वो आपने बोला था ना एक स्ट्रिंग में सेम एक्सेलरेशन होगा, पर यहाँ पे अलग अलग आ रहा है ना। अलग अलग कहाँ है बेटा? सर ये 3 kg का a इज इक्वल टू 1 meter पर सेकंड आया और 5 kg का 17.5 आया ना, 17 divided by 5। टेंशन सेम रहेगा और वो स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, लेकिन वो मंकी का थोड़ी ना एक्सेलरेशन सेम रहेगा। वो मंकी तो अपने खुद से चढ़ रहा है ऊपर। अच्छा सर, मतलब ये मंकी का एक्सेलरेशन है ना। हाँ सर, इस तरह। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो फिर से पूछिए, फिर से बता देता हूं। ओके सर, 1 मिनट सर। जी सर, ये चढ़ने के बाद ये एक्सीलरेशन रहेगा ना, ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना सर, चढ़ने के बाद। हाँ सर, आपने यहाँ बोला ना होल्ड कर रहा है वो 5 kg वाला। हाँ ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये 5 kg वाले ने इस रस्सी को पकड़ के रखा है। हाँ सर, इसने रस्सी को पकड़ के रखा है बस। तो रस्सी जितने एक्सेलरेशन से जाएगी उतने एक्सेलरेशन से 5 kg दौड़ेगा, बस बात खत्म। ठीक है, ये बात है। समझ में आया जी? हाँ सर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में बच्चों आपको करना क्या है, आपको यहां पर अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला था है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें पहले बोला गया था। अगर इसको थोड़ा सा बदल दें हम और अब इसको ग्राउंड की जगह इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं, तो अब मैं इसको बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, विद रिस्पेक्ट टू रोप, चलिए अब इसको एक अलग दिशा मिल गया, इस प्रॉब्लम को एक अलग दिशा मिल गया है अभी। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मंकी इफ 3 kg मंकी इज एक्सेलरेटिंग अप एट 1 m/s² विथ रिस्पेक्ट टू रोप। विथ रिस्पेक्ट टू रोप, ओहो, तो ये बड़ा दुविधा वाला प्रश्न हो गया। क्यों भाई, दुविधा वाला प्रश्न है ना। देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं इसको कैसे करना है, ध्यान दीजिए सब लोग, बड़े ध्यान से सुनिए इसको, घबराने का नहीं। पहले लिखने का यहां पर दिया क्या है, 1 m/s² क्या है, चलिए
बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये टफ लेवल का प्रॉब्लम है थोड़ा सा, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू रोब, क्या है ये एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रोब। सो ए ऑफ 3 विथ रिस्पेक्ट टू रोब इज इक्वल्स टू 1 m/s². एग्रीड? ओके, यस सर। ये दिया है हमें, तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब लिखते हैं कि A3R इज नथिंग बट A3 - AR। याद है क्या आपको? याद है ना? यस सर। सो A3R इज इक्वल्स टू A3 - AR, वी नो दिस। तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम इस 3 kg वाले की, तो 3 kg वाले का mg नीचे एक्ट करेगा, mg इक्वल्स टू 30 N नीचे, और इसके हाथ में जो रोप है उसमें टेंशन रहेगा t, करेक्ट। और ये जो रोप है, तो अब अगर हम इक्वेशन लिखें यहां पर, तो इसमें हमें लिखना पड़ेगा इक्वेशन में के T - mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg A3 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे बेटा, रोप से। जी हाँ, तो इसीलिए लिखना पड़ेगा T - mg। ये जो mg है ये है आपका 30, विच इज इक्वल्स टू मास है इसका 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसलिए A3 लिख दिया बस। ये है इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे फिर से। लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। ये 5 kg वाला जो मंकी है ये इस रोप को होल्ड किया है इस तरह से, तो इसको ऊपर की तरफ टेंशन रहेगा, नीचे की तरफ mg रहेगा, क्यों भाई? यस। और अब ऐसा मान लेते कि इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, ऐसा मान लिया हमने एक्सेलरेशन है इसका a। अब ये जो रस्सी है, ये रस्सी जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी उतने ही एक्सेलरेशन से ये मंकी भी आएगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक्सेलरेशन ऑफ रोप है, ऐसा बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ रोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg बंदर, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, क्योंकि बस उसने रोप को होल्ड करके रखा है ना, तो इसलिए यहां पर लिख रहा हूं नोट में एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मंकी, एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg मंकी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ रस्सी, क्योंकि उसने रस्सी को पकड़ के रखा है, तो साथ साथ जा रहे हैं, साथ साथ जिएंगे साथ साथ मरेंगे, क्यों भाई? दोनों साथ साथ जा रहे हैं ना, उसने होल्ड करके रखा है, पकड़ लिया उसने, होल्ड करके रखा है, ठीक है, साथ निभाने का वादा कर दिया ना दोनों ने, तो एक साथ जाएंगे ना, एक्सेलरेशन एक साथ होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ रोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस 5 kg। तो लिख सकता हूं कि mg - t, या फिर आप कंफ्यूज ना होना, है ना, तो यहां पर लिखेंगे कि t - mg, ओके, दिस विल बी
टी माइनस एम जी, एम जी इसका कितना है 50 है, ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू ए आर, और वो भी माइनस में, माइनस में लिखा मैंने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये टी माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस 5 ए आर, और इसीलिए 50 माइनस टी इक्वल्स टू 5 ए आर, यस और नो, इज इट क्लियर। तो क्या यहां से टी का वैल्यू मुझे मिल सकता है? हाँ, यहां से टी का वैल्यू मिल सकता है। तो चलिए, तो लिख देंगे 50 माइनस 5 ए आर इज इक्वल्स टू टी, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर वन। पहले इक्वेशन में अगर इसको पुटअप किया जाए तो क्या बनेगा, कौन बोलेगा? यस, सो दिस विल बिकम टी की जगह पर लिख रहे हैं हम ये सब, ओके, इसको यहां से उठा और यहां पर पटक दो, तो ये बनेगा 50 माइनस 5 ए आर, राइट, माइनस 30 इक्वल्स टू 3 ए 3, क्लियर। हमें चाहिए क्या, ढूंढना क्या है, 5 केजी मंकी का एक्सेलरेशन ढूंढना है, है ना। 5 केजी मंकी का एक्सेलरेशन मतलब है ए आर, मतलब हमें ए आर को ढूंढना है। अगर हमें ए आर को ढूंढना है तो इसमें ए थ्री की जगह पर ए आर का वैल्यू डाल दो, तो काम बन जाएगा अपना, ए थ्री की जगह पर ए आर का वैल्यू। तो ये इक्वेशन है अपने पास, ये वाला, सो पुट दिस इन दिस इक्वेशन। तो हमें पता है ये कितना होगा, 50 में से 30 गए, 20 बचे, 20 माइनस 5 ए आर इज इक्वल्स टू 3 ए 3, तो ये 3 जो है इधर नीचे चला आएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए 3 का वैल्यू पुट अप कर दो, अभी अभी अपने पास ये फॉर्मूला है ए 3, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ए थ्री माइनस ए आर इक्वल्स टू 1, एंड ए थ्री की जगह पर लिखेंगे ये सब झमेला, इस झमेले को लिख दो यहाँ पर, 20 माइनस 5 ए आर डिवाइड बाय 3 माइनस ए आर शुड बी इक्वल्स टू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 माइनस 5 ए आर माइनस 3 ए आर डिवाइड बाय 3, उधर जाके 3 बन जाएगा, ये बनेगा 20, इस 3 को इधर लाओ, माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 3 इज माइनस 8, उधर जाके प्लस 8, एंड दैट विल गिव अस 17 इक्वल्स टू 8 ए आर, एंड देयरफॉर ए आर becomes equals to 17 by 8 meter per second square, meter per second. Is it understood? क्या ये सबके समझ में आया? Yes sir. नहीं, कहीं भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो पूछिए। सर जी बोलो। सर प्लीज, वो ए थ्री आर है ना, वो वेक्टर में आपने कुछ तो लिखा है, वहां से रिपीट कर सकते प्लीज? हाँ सर, वो वेक्टर का क्या है वो समझ में नहीं आया सर, वो क्या लिखा है आपने, ये ना? हाँ सर। सर वो मैं वेक्टर के लिए नहीं था ना यहाँ पर, इसलिए। हाँ बेटे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये देखो ध्यान दो, ये कुछ नहीं है,
इसको मैं थोड़ा अलग से समझाता हूं, आप एक काम करो, इसको पहले लिख